सबसे शिवानी स्टील सेक्टर एक ताला नगरी पर एक आयरन स्टील की 18 को फर्म रजिस्टर्ड कराई गई, जिसके मालिक अंकित गर्ग पुत्र श्री प्रकाश चंद गर्ग हैं। इनके द्वारा रजिस्ट्रेशन के बाद अब तक इतने कम अवधि में ही 17 करोड़ की जो है खरीद दर्शाते हुए 3 करोड़ 9 लाख की ITC क्लेम की गई। 19 करोड़ की लगभग 19 करोड़ की इनके द्वारा बिक्री दर्शाते हुए 3 करोड़ 38 लाख टैक्स वसूल करना दर्शाया गया, लेकिन नगण्य टैक्स इनके द्वारा जमा किया गया है। इनकी ऑनलाइन जो विवरण उपलब्ध हैं पोर्टल पर, उसकी जांच पर पाया गया कि इनके द्वारा माह जुलाई में 39.5 लाख की MS बिलेट की बिक्री की गई है, किंतु उसके सापेक्ष माह जुलाई या उससे पहले इनके पास MS बिलेट की कोई खरीद नहीं थी। इससे यह प्रमाणित हुआ कि इनके द्वारा बिना माल के दूसरी फर्म को ITC का लाभ पहुंचाने के लिए बिलिंग की गई है। इसी तरह पूरे जब से रजिस्ट्रेशन लिया और अब तक की खरीद की जांच पर पाया गया कि इनके द्वारा MS बिलेट की 89 लाख की खरीद की गई है, जिसके सापेक्ष 2 करोड़ 13 लाख की MS बिलेट की बिक्री की गई। इससे भी यह प्रमाणित हुआ कि लगभग 1 करोड़ 20 लाख का MS बिलेट की बिलिंग बिना माल के की गई। इससे यह स्पष्ट प्रमाणित होने पर चूंकि कि इनके द्वारा अभिलेखों और ITC के साथ गड़बड़ी की जा रही है, इनकी फर्म स्थल और निवास स्थल के जांच का निर्णय लिया गया। दोनों जगह एक साथ छापेमारी करने पर व्यापार स्थल पर कोई वास्तविक व्यापार होता नहीं पाया गया, एवं निवास स्थल पर कुछ संदिग्ध अभिलेख अवगृहित किए गए, जिससे भी यह प्रमाणित हुआ कि इनके द्वारा केवल कोई वास्तविक व्यापार न करके केवल बिना माल के बिल जारी किए जा रहे हैं, एवं बिना माल के बिल प्राप्त करते हुए केवल करदाता से बचने के लिए दूसरों को ITC का लाभ पहुंचाने के लिए फर्जीवाड़े का काम किया जा रहा है। अतः इनको वहां से गिरफ्तार करके थाना हरदुआगंज के सपोर्ट कर दिया गया। शेष अग्रिम जांच कार्रवाई जारी है। ये कल हरदोगन क्षेत्र में एक GST कर चोरी और हेराफेरी के मामले में गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। इसमें जो कमिश्नर GST लखनऊ से टीम आई थी, उनके द्वारा एक टेरर दी गई थी कि इसके द्वारा GST कर चोरी और उसके जो डॉक्यूमेंट है उसमें हेराफेरी की गई है, जिसके संबंध में एक मुकदमा पंजीकृत हुआ, जिसमें एक अंकित गर्ग नाम का व्यक्ति ताला नगरी का था, उसको पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। सर कितने का अब तक कर चुका है हेराफेरी जिस तरीके से? इस मामले में पूरी जानकारी तो जो GST के अधिकारी है वही बेहतर बता पाएंगे, लेकिन उन्होंने जो तहरीर दी थी उस आधार पर पुलिस ने अपना मुकदमा दर्ज किया गया है और उनके सहयोग से जो भी लॉजिकल सहयोग चाहिए होगा उस हिसाब से इसके विवेचना का निस्तारण भी कराया गया। कितने आरोपी हैं सर टोटल? इसमें एक ही आरोपी था और उसी को जेल भेज दिया गया।